जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू। सोच में गुम है भैया बाबू, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, जिंदगी के खेल में मोहब्बतों की रेल में सब मुसाफिर चल पड़े हैं। किस नगर किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। कैसे बाल बनाना है? स्ट्रेट कर दे। मेरा स्ट्रेटनर तो खराब हुआ है ऐशा, तुम जाकर खुशबू के कमरे में से ले आओ। ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा। जल्दी। हेलो जी दानिश। बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में। कहाँ के लिए? हुजूर जमाल हाउस से बुलावा आया है, बाबर की ढोलकी का। कब? मुझे तो नहीं पता चला। अरे चाची चंदा ने अम्मी को कॉल की थी। और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं तो इस बात से तुम पे खफा होने वाला था कि तुमने मुझे नहीं बुलाया। आप बता दें कौन सा दस्तान है। ये ले बाजी, जल्दी कर ले, अम्मी आवाज ही दे रही है। मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा चलो ओके बाय। चलो यार अब निकलते हैं, बहुत देर हो चुकी है, तैयारी भी करनी है। बात सुनो, अगर खुशबू तैयार हो गई है तो उससे ही बाल बनवा लो ना। वो तो अभी तैयार ही नहीं है। क्यों, वो क्या कह रही है? पता नहीं, वो अपने कमरे में ही नहीं है। तुम जाओ ड्राइंग रूम में होगी, देखो तैयार हो गई होगी। उनके कपड़े तो उनके बेड पे ही पड़े हुए। अच्छा अच्छा चलो जल्दी से, मैं तुम्हारे बाल कर देती हूँ, मुझे अपने कपड़े भी आयरन करना है। आपके कपड़े तो आयरन हुए हैं। नए वाले करने हैं, वो तो पुराने हैं। मगर क्यों? बस ऐसे ही ईशा, अब चलें तुम्हारे बाल करें। चलें चलें जल्दी चलें, अम्मी आवाज़ें दे रही हैं। सब रेडी तो है, शुरू करें। बस 5 मिनट और। कितना टाइम लगेगा? अरे यार सबा भाभी की अम्मी हॉस्पिटल में थी और मैं हूँ सूफी सुबह से वहीं पे, ये सारे काम तो सूफी ही देखता है ना। अरे सूफी से याद आया, सूफी नजर नहीं आ रहा। सूफी नहीं सूफी भाई कहो। चलो भाई इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, शुरू करें अब। माशाल्लाह। आप कहाँ से आ गए? आप क्यों, ये कोई रेड जोन एरिया है क्या? उससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल, अगर किसी ने देख लिया ना दानिश तो कयामत आ जाएगी यार। फिलहाल तो आप कयामत ठा रही है हमारे दिल पर, वो भी नेक्स्ट लेवल। हर आपकी वजह से मेरे दिल की धड़कनें लास्ट लेवल पर पहुंच गई हैं। अरे अल्लाह ना करे, ऐसा ना कहिए। चले तो फटाफट यहाँ से निकले। देखिए अब्बू और अम्मी ने चाचियों पप्पू को काबू करके रखा हुआ है, सुफियान और बंटी अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं, और एनी जो है वो लड़कियों के साथ ढोलकी बजा रही है। ओह वाव, इसका मतलब आप पूरी जासूसी कर कर रहे हैं। अलीजे बाजी, कमाल अंकल और अश्वर भाई आ चुके हैं। खुशबू को बताया? वो अपने कमरे में नहीं है। अच्छा तुम जाओ जाकर देखो, छत पर होगी या तो बाबर के कमरे में होगी, मैं अभी आ जाती हूँ। जी ठीक है। मेरी बात सुने, अब आप भी निकले मेरे कमरे से, चलो जल्दी करें। तुम नहीं चलोगी? मैं आ जाती हूँ 2 मिनट में, आप तो जाएं पहले। चलिए जो हुक्म जनाब।
अरे माशाल्लाह, आपका बेटा हू बहू आप पर गया है भाई। बड़ी खुशी हुई कमाल साहब आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये ना जाहिद भाईजान है और ये किश्वर भैन है। इन्हों के बेटे के नाल ना निकाह हो रहा लीजे का। आपका बेटा नजर नहीं आ रहा, क्या घर छोड़कर आए? अरे नहीं, यही कहीं होगा। मुमकिन है वो ढोलक वाली जगह पर हो। अरे बेटा असवर, तुम हम बूढ़ों में बैठ के क्यों बोल रहे हो? जाओ बैठ, एंजॉय करो, जाओ। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। एक और गल दसा, कमाल भाई जन ना बाबर दे बास भी ने। अरे भैया बॉस कहाँ के, अब तो रिश्तेदारी हो गई है। कमाल भाई जन, थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसी अपना इन्ना कीमती वक्त साढ़े वास्ते कटिया। मैं सुनया सी थोड़ी कोई बड़ी जरूरी मीटिंग है किसी। असल कीमती वक्त बहन यही होता है जो अपनों के साथ गुजारा जाए, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए काम किया जाता है। भाई ये बात तो आपने सो लाने सही कही। और आप बताएं कि आपकी क्या मसरूफियात है? हमारा क्या भाई, क्या मशगला होगा। हमारा एक छोटा सा कारोबार है जिसे दानिश देखता है, कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनका रेंट आ जाता है, और हम बेगम की चाकरी करते हैं। ये अपनी मर्जी से चलती है और हम इनकी मर्जी से चलते हैं। बहुत लकी हैं जनाब, ये जॉब तो नसीबों वालों को मिलती है। क्यों हसीना जी? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई आपने बबली को इनवाइट नहीं किया? अरे भाई बबली को भी किसी की इनविटेशन की जरूरत है क्या? लो जी आ गई बबली। बबली तेरी ना पूरी 100 साल की उम्र होगी, 100 साल की। होना ही तेरा नाम लेता, होना ही तू आ गई। खुशी के दिन है, मरने मराने का नाम ना ले। ओ, तो एक नौजवान लड़का अपनी ही ढोलक की रात को अपनी ही कजन के साथ फरार। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बताया था ना, ये असवर है ही मेंटल टाइप। अगर मेंटल है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करो ना, ऐसे खुला क्यों छोड़ा वैसे? ये बंदा तो पहली मुलाकात में मेरे दिल से उतर गया। मैं बाबर दे नाल एक कम से गई थी। और वो कहाँ है? वो बस आ रहा है, 5 मिनट में आता ही होगा। खुशबू जाकर जल्दी से तैयार हो जा। वैसे एक बात तो बताओ कि सब उसको बाबर भाई कहते हैं, लेकिन तुम इस लफ्ज का तकल्लुफ नहीं करती हो, इसकी कोई खास वजह है क्या? क्या? बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। क्या यार, तुम तो बिलावज में परेशान हो रही थी, यहाँ तो सबके सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। फिर भी दानिश, एहतियात इलाज से बेहतर है। अलीसे बाजी, मैंने छत पे भी देख लिया और बाबा भाई के रूम में भी देख लिया। खुशबू बाजी, अब और भाई कहीं नहीं है। ओ, तो एक नौजवान लड़का अपनी ही ढोलक की रात को अपनी ही कजन के साथ फरार। Excuse me? क्या कहा आपने? आपके कान में कुछ मसला है क्या? मेरे दोस्त तो कहते हैं कि मेरी आवाज बेहद साफ है। दानिश ये खुशबू के मंगेतर हैं और ये और आपके मंगेतर हैं, जानता हूं। कैसे हैं आप? साइड में आकर मुझे नहीं बता सकती थी। अब तुम जाओ, मैं खुद ही ढूंढूंगी। जाओ ढोलकी में और खामोशी से जाना।
जी बाजी। चल अलीज़े, अब दानिश का मूड ठीक कर। कि असफर भी ना अजीब नमूना है, सबका मूड खराब कर देता है। सॉरी, मैं उनकी तरफ से सॉरी करती हूँ आपसे। इट्स ओके। आपको बताया था ना, ये असफर है ही मेंटल टाइप। अगर मेंटल है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करो ना, ऐसे खुला क्यों छोड़ा वैसे? ये बंदा तो पहली मुलाकात में मेरे दिल से उतर गया। अच्छा चले ना दानिश, अपना मुंह ठीक करें। मैं ठीक हूँ यार, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो तुम लोग पे हैरत हो रही है। तुम लोग को उसके अंदर समझ में क्या है यार? आपको पता है इसने खुशबू के साथ पहले भी बदतमीजी की थी और बाबर ने खड़े खड़े रिश्ता खत्म कर दिया था। फिर क्या, खुशबू ने उसे माफ कर दिया और रिश्ता फिर से बहाल हो गया। क्या मतलब? दानिश मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई खुशबू? मैं बाबर दे नाल एक कम से गई थी। और वो कहाँ है? वो बस आ रहा है, 5 मिनट में आता ही होगा। खुशबू जाकर जल्दी से तैयार हो जा, असफर भाई और कमाल अंकल आए हुए हैं। उन लोगों को बुलाने की क्या लोड़ थी? तुम सबको छोड़ो, जाकर तैयार हो जाओ यार जल्दी से। एक मिनट, मैं बस एक बार फूफो के कमरे से जरा देख तो लो, ढोल क्या बज रही है मलाइका। हेलो। हाँ जनाब, फिर मुंह ठीक हुआ आपका? क्या कह रही थी खुशबू? वो बस मुझे बता रही थी कुछ। ये जो मेरी कुव्वत समात है ना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये आपस की बात मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। अच्छा, आप जल्दी से मुझे बताएं आप हैं कहाँ। मैं यहाँ से इस वक्त अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा ठीक है, आपका मूड जैसे ही ठीक हो जाता है आप वापस आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। उस पर हमेशा कुछ ना कुछ बुरा कर देता है। सारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे, इंक्लूडिंग मी। कहाँ गई थी तुम और किसके साथ? हाँ जी, वो बाबर नाल बाहर गई। बाबर? वैसे एक बात तो बताओ कि सब उसको बाबर भाई कहते हैं, लेकिन तुम इस लफ्ज का तकल्लुफ नहीं करती हो, इसकी कोई खास वजह है क्या? क्या? ओ चलो, वैसे आइंदा तुम्हें अपने बाबर के साथ कहीं जाना हो ना छुप कर, तो एटलीस्ट घर में किसी को इन्फॉर्म करके जाना। यहाँ पर सब तुम्हें ढूंढ रहे थे, इवन आई वाज सर्चिंग फॉर यू। वो बाजी, आपके कपड़े प्रेस हो चुके हैं, आप जाके बदल कर आ जाए। आ तो जा, नानी है जी। और अपने असफर भाई को मेहमानों वाले कमरे में बिठाओ। वो असफर भाई, आप कमरे में जाके बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम। खुशबू बाजी,
तो आनू क्यों है? मुंह क्यों लटका हुआ है? असवर भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ते मैनू भी पता है, कोई ना भी गल दस। बहुत बुरे हैं। एक ही गल हुई है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है या बहुत ही बुरे, एक ही बात है। आपको पता है वो आपके बारे में क्या कह रहे थे? की दस रहा से? कह रहे थे खुशबू बाबर भाई के साथ भाग गई है। वो तो बिल्कुल ठीक बात है। क्या मतलब? कोई ना, तू टेंशन ना ले। आप किसी और से शादी कर लेना, वो बहुत बुरे हैं। एक गल दसूं, मैंने भी अच्छे नहीं लगे। थोड़ा आप शादी ना करें। तो की करां, किससे करूं? किसी से भी। लो, किसी से भी करना हो तो किसी में तो फिर असफर भी शामिल है, उसी से ना कर लूं। नहीं ना, आप बाबर भाई जैसा लड़का ढूंढे। एक काम करते अभी ना, ढोल की करते, बाद में दोनों मिलके ढूंढेंगे, ठीक है? हाँ, तू नीचे जा, मैं तैयार होके आनी हूँ, फिर ढूंढते। जी ठीक है। ईशा, फिर तो तेरी चंगी। चलो जी, ढोलकी। ऐ जमा कीता, तैयार होके यहीं आ गए। काला सिया जोड़ा, तुम्हारे पास कपड़े खत्म हो गए क्या? सही तो लग रहा है, क्या है? मुझे पसंद है काला। अच्छा पूछो, वो लकड़ बांधो नीचे आ गया है ना। कौन? हाँ हाँ, रुक से थी। हाँ भाई, ये हुई ना बात, लेकिन हम अलीजे की मेहंदी भी लेकर आएंगे। हाँ जी, क्यों नहीं, तो आड़ी थी ये, जो दिल करे वो करो। बस फिर तो हम ही पीछे रह गए चंदा भाभी, ये तो ज्यादती है। दूल्हा भाई कब तक आएंगे? क्यों, तुम लोग थक गए हो क्या? नहीं, हम तो सारी रात नहीं थकेंगे, बस दूल्हा भाई आ जाएं तो एनर्जी डबल हो जाएगी। अरे भाई, एक दूल्हे भाई तुम लोगों के सामने बैठे हैं, मुझे देख के एनर्जी पकड़ लो। सितारों की याद नहीं आ रही तुम्हें दूल्हे राजा? सितारे, ये सितारों का क्या चक्कर है भाई? नहीं नहीं कोई नहीं, ये हमारा आपस में चक्कर है। शुरू हो जाओ। चंगा किता, तैयार होके यहीं आ गए। काला सिया जोड़ा, तुम्हारे पास कपड़े खत्म हो गए क्या? सही तो लग रहा है, क्या है? मुझे पसंद है काला। अच्छा पूछो, वो लकड़ बांधो नीचे आ गया है ना। कौन? असफर। और कौन? बिल्कुल ठीक नाम रखा था, उसकी पर्सनालिटी के साथ ना बिल्कुल ठीक मैच करता। हाँ हाँ, बहुत सोच समझ कर रखा मैंने। तुम्हें क्या उससे डर लग रहा? उससे डरती है मेरी जूती। ऐसे तुम्हारी जूती है बड़े काम की चीज। तुम मेरी जूती को छोड़ो और नीचे चलो, सारी लड़कियों ने ना ढोलक और तालियां बजा बजा के हाथ सजा लेने। हाँ चलो, ऐसे चलोगे जैसे दूल्हा जाता है वैसे जाओ। दूल्हे कैसे जाते हैं? ओहो, थोड़ा शर्माओ, घबराओ, नखरे दिखाओ भाई, तुम्हें तो दूल्हा बनने भी नहीं आता। चलो चलो।
और हाँ, सिर्फ निकाह नहीं, रुखसती कहें रुखसती। हाँ हाँ, रुखसती रुखसती। हाँ भाई, ये हुई ना बात, लेकिन हम अलीजे की मेहंदी भी लेकर आएंगे। हाँ जी, क्यों नहीं, तुम्हारी थी ये, जो दिल करे वो करो। बस फिर तो हम ही पीछे रह गए चंदा भाभी, ये तो ज्यादती है। है भाई जान, केड़ी ज्यादती। अब आप देखें ना कि बाबर की भी निकाह के साथ रुखसती हो रही है, अलीजे की भी, तो फिर आपने हमें इस ऑफर में क्यों डाला? अरे कमाल भाई, अर्जी डाली गई तो सुनवाई हो गई। अरे भाई, तो हम भी अर्जी डाले देते। बताए किसके नाम की डालनी है? नेकी, वो भी पूछ पूछ। भाई हमने तो बाजी हसीना के नाम डाली थी अर्जी। हाँ हाँ, तो ठीक है, हम भी हसीना जी के नाम अपने असफर की रुखसती की अर्जी डाल देते हैं। बोले हसीना जी, राइटिंग में अर्जी चलेगी या फिर वर्बल से काम चल जाएगा? वर्बल चलेगा। आओ, तुसी करो जी आपस में गल्ला, ते मैं दो मिनट जना बोर्ची खाने च होके हुणी आई। अच्छा नवाजी, जरा केक रस तो हो। बबली बस कर दे, केक रस भी आ जाएंगे। काफी दिनों में केक रस। तो फिर बताइए कब होगी हमारी अर्जी की सुनवाई? बस ये इवेंट्स निकल जाए तो फिर आपकी अर्जी की सुनवाई भी होती है। अरे नहीं भाई नहीं, हम तो एक ही साथ चाहते हैं। किशोर भाभी, आप ही सिफारिश करें ना हमारी। अब हाँ हाँ बिल्कुल, अगर हमारी सिफारिश से काम चलता है तो भाई हम हाजिर। भाई वैसे तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि दोनों बच्चियां अपने घर की हो जाएं। तो दरअसल खुशबू थोड़ी उदास है तो इसलिए वो निकाह के साथ रुखसती नहीं चाहती। हाँ ऐसा होता है, कुछ बच्चियां कुछ ज्यादा ही हसास होती। क्यों? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी को नाराज नहीं कर सकते। अरे कमाल साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। भाई के साथ कर लो ना डांस। नहीं नहीं, मुझे कोई डांस वांस नहीं आता। हाँ क्यों? अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे तुम? चलो फिर से शुरू हो जाओ। जाओ फिर। ऐसा करते हैं कि दोपहर में अलीजे और खुशबू का निकाह कर देते हैं पहले, और बाद में हम बाबर के निकाह के लिए चले जाएंगे। इस तरह तो सारे दिन की मशक्कत हो जाएगी और ऊपर से दिन भी छोटे हैं। अरे दिन छोटे हैं तो क्या हुआ, हम अपना फैसला बड़ा कर देते हैं। कैसा फैसला? ऐसा करते हैं कि एक बड़ा सा हॉल या मार्की बुक करवा लेते हैं और तीनों निकाह एक साथ कर देते हैं। क्या ख्याल है आपका? हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा,
और हाल की बुकिंग की जिम्मेदारी हमारी। नहीं भाई साहब, आखिर कुछ काम लड़की वालों को भी करने चाहिए। ओहो हसीना जी, देखिए आज तो आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आज के बाद आप ये लड़की वाला और लड़के वाला जुमला नहीं बोलेंगे। आई टोटली एग्री विद यू। आप ऐसा करें कि आप हॉल का इंतजाम करें, मैं दुल्हनों के मेकअप और खाने का इंतजाम करवाता हूँ। वाह भाई। अरे भाई सब मिलजुल कर करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। मगर कुछ हमें भी तो करना है ना। आपका काम है औरतों को वक्त पर हॉल पहुंचा देना, क्योंकि देर हमेशा औरतों की वजह से होती है और एक औरत ही अच्छे तरीके से औरतों को डील कर सकती है। लो जी, वक्त पे पहुंचन वाली गल नु ते छड्ड ही देओ, क्योंकि फौजी सलामत साहब दे हुंदे आ ना, कोई लेट नहीं हो सकता। ये कौन? सलामत साहब हमारी चंदा भाभी के अब्बा जी हैं और रिटायर्ड फौजी भी हैं, तो वक्त की पाबंदी भाई उनसे कोई सीखे। हाँ जी, अब्बा जी ते अन्ने वक्त दे पाबंद ने, कोई लेट नहीं हो सकता। अन्नी अफरा तफरी पा देंदे ने, सारे वक्त ते पहुंच जांदे ने। भाई मतलब के सारे मसले हल है? इसे कहते हैं इत्तफाक में बरकत। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस फंक्शन के साए तले हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हाय हाय रब्बा, मैं तो भूल गई। देखो जी, दो मिनट च ना रोटी लग जानी है, जिन्हें हाथ शाथ धोने ना धो आओ। भाई हाथ तो सभी धोएंगे, क्योंकि हमने सीखा है कि कोई काम करना हो तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। चलो आओ भाई जान, आओ आओ किस में हाँ, आओ जी हाँ, आओ आओ सारे आओ। वैसे तो वो किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन असफर भाई को साथ खून पता नहीं क्यों माफ है। मैं ना पुप्पो जान से इजाजत ले लूंगी। ओ जा ले ले, अगर देती है तो लेके दिखाऊंगी। इजाजत देखिएगा आप। इजाजत ले लो, लेके दिखाऊंगी। ओ जा पागल जी ना बे। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। हाँ भाई हुण दस किन्ने होए? कुल मिलाकर एक मिनट 218। ओहो, निकाह के दिन के वो जो हर फैमिली से दो दो आदमी बुलाए हैं। अच्छा वो तो 55 हुए। लो जी 55, दो दो होके कैसे गिने? दोबारा जमा कर यार। नाना बका एक लिखा है ना, बाकी सब तो दो दो हैं। हाय हाय, ले मैं तो भूल ही गई। हाय अब्बा जी तो स्टेशन से पहुंचने वाले होंगे, हैं उन्होंने लेन ते जाओ कोई। शाबाश है चंदा, हाय तुम भी कमाल करती हो, इतने पंक्चुअल आदमी को तो 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए लेने के लिए। गलती है। मुबारक हो, मुबारक हो। अब किस बात की मुबारकबाद दे रहा है? बाबर भाई ने गाड़ी खरीद ली है। क्या बाबर ने गाड़ी खरीद ली है? बाबर तुमने बाकी गड्डी खरीदी है?
मुबारक हो। हाँ लदास बाबर तीन तीन ब्याह सिरते ने ते ऐस फजूल खर्ची दी जरूरत किसी भला। अम्मी जी तीन नहीं दो, मेरा सिर्फ निकाह है और अगर आप बार बार ये तीन बोलेंगी ना तो फिर मैंने निकाह भी नहीं करना। ओ ठीक है बहन, चल दो हुन खुश। चाची जान ये तो मेरी खुद की सेविंग से मैंने लिए, सोचा था फंक्शंस के लिए रख लूंगा, लेकिन अब जब इनाम की रकम भी आ गई है तो मैंने सोचा गाड़ी खरीद लेता हूँ। चलो अच्छा है, वैसे भी थोड़े दिनों में बहू आने वाली है, अब क्या शादी के कपड़े पहन के वो मोटरसाइकिल में बैठती, अच्छा तो नहीं लगता ना। सारियां गल्लां छड्डो, अब्बा जी नूं लैण ना, तू स्टेशन चला जा फटाफट, वो पहुंच गए तो बड़ा रौला पाएंगे। ठीक है यार, मैं तो गाड़ी देखने जा रही हूं। अच्छा चाची जान ये ले पापा एटीएम कार्ड। बेटा घर में कितनी ही बड़ी औरतें क्यों ना हो, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि सरबराही एक मर्द के हाथ में ही अच्छी लगती है। ये तुम अपने पास रखो, स्टेशन से वापस आओगी ना फिर सोचते क्या करना है। मैं भी जाऊँ नाना अब्बा को लेने। और रहने दे, तू जाके की करना है पहला है, आप भी खज्जल खुआर होएंगी ते उन्हें भी तंग करेंगी, रहने दे बस। लो अम्मी जी तुसी भूल गए, अब तो गड्डी में जाना है मोटरसाइकिल ते थोड़ी। चल ठीक है फिर जा, चली जा। ठीक है ऐ चंगा है, मैं जरा सुरखी ते मस्कारा लगा कर आती हूँ, बल्कि कम करती हूँ साथ ही ले आती हूँ, अब तो गड्डी है, गड्डी में आराम से तैयार हो जाऊंगी, कोई मसला ही नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे गाड़ी में वेट करता हूँ, तुम आ जाओ। सही हाँ तो इनू कितना शौक है मेकअप का है, मैं तो कहनी हाँ हसीना इंज करने हाँ कि तीनों कुड़ियों का ना सोने का जेवर ले लें। बिल्कुल ठीक, वैसे ही जेवर तो औरत की शान है। हाँ यह गल तो है, चल ना अब्बा जी पहुँचने वाले ने, मैं इंज करनी है कि गुड्डू तो शबनम नू कह के आनी है कि उन्होंने कमरा फटाफट बिल्कुल रेडी कर दें। चंदा गुड्डू को तो मैंने भेजा अस्पताल सभा के पास, सुफियान और एनी ने भी तो तैयारी करनी थी। अच्छा चल कोई गल नहीं, मैं शबनम के नाल रल के आप करा लैनी है सारा काम। ठीक रेडी करना है, अब्बा जी का कमरा बड़ा गुस्सा कर देने वरना। ठीक है यार, उनके आने से पहले पहले मुझे इसे भी उतार देना चाहिए, परेशान ही होंगे देख के। क्या और तुम ये मुझे अब बता रही हो? तो मुझे ईशा ने अभी बताया है। तुम समझ में नहीं आ रही, साइको वाइको तो नहीं असर भाई? पता नहीं मेरे तो दिल से ही उतर गया। हैरत की बात तो ये कि खुशबू भाई ने कुछ भी नहीं कहा असर भाई, तुमने फूफो या चाची जान को बताया? मैं तो कब का बता देती, खुशबू भाई ने मुझे मना किया था। वैसे तो वो किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन असफर भाई को साथ खून बदलने क्यों माफ है? बस खुदा करे खुशबू बाजी के साथ कुछ गलत ना हो। क्या ना करे यार, खून भी जाऊंगा असफर के बच्चे का मैं। क्या हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? यार मैं सोच रहा था कि कभी कभी ना अल्लाह शैतान के मुंह से भी अच्छी बात निकलवा देता है। क्या मतलब? देखो अगर खुशबू बाजी या बाबर भाई की शादी हो जाती है तो कपल बुरा तो नहीं है बॉस। दफर वो भाई है हमारे, क्या हो गया? तो तायाजाद है ना, मैं भी तो तायाजाद हूँ। हाँ लेकिन खुशबू बाजी का रिश्ता अफसर भाई से ना भी हुआ तब भी बाबर भाई से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबा भाभी बाबर भाई की पसंद है, तुमने खुद ही तो ये खबर ब्रेक की थी। हाँ अच्छा हाँ यार, खैर जो भी हो अगर अब असफर की एक बात भी निकली ना तो कोई कुछ भी कहे मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ जो भी हो आन विद यू। अच्छा खैर शॉपिंग का बताओ कहाँ जाना है। हांडी का मुंह खुला हो ना तो खाने वाले में इंसानियत होनी चाहिए। वो अब कमाल भाई जी ने अगर खाना किया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं पूरा टब्बर पूरा खानदान ही चुप के ले जाऊं। तो आपसे किसने कहा था कि खाने का इंतजाम उनसे करवाएं? ये बड़ों का फैसला है, तू बोती मां ना बन। अच्छा भाई मुझे नहीं पता। अच्छा अभी दो चार तो सहेलियां हैं मेरी, उनको भी ना बुलाऊं क्या? बुलाने दे प्लीज। बस बस रहने दे, वो जिनकी शादी है उनकी सहेलियां आ रही हैं। हाँ तो उनकी सहेलियां हैं ही नहीं तो मेरा क्या कसूर अम्मी? चल ठीक है तू अपनी शादी पे बुला लेना अपनी सहेलियों को।
और जो मैं उनकी बहन भाइयों की शादियों में गई हूँ उसका क्या? हाँ अभी मैं बता रही हूँ, उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं देना अगर मैंने उनको खुशबू बाजी की शादी में नहीं बुलाया तो। वो तो तुझे किसने कहा था नस नस के उनकी शादियों पे जा है? मैं तो तुझे कितना मना करती थी कि किसी गैर की शादी में जाने की कोई लोड़ नहीं है। अम्मी जी दोस्त गैर नहीं होता है। बस बस रहने दे, तू जो मर्जी कह मैं इजाजत नहीं देनी। तो आप रहने दे, आपने कभी मेरी कोई बात मानी है? चल नहीं जा, मेरा दिमाग ना खराब कर, काम कर जाके अपना। फोन की है? मैं ना पुप्पो जान से इजाजत ले लूंगी। ओ जा ले ले, अगर देती है तो। लेके दिखाऊंगी इजाजत, देखिएगा आप। इजाजत ले लूंगी, लेके दिखाऊंगी। ओ जा पागल सी ना बेचारी। फोन की है? तू भी किसे नु सद्दा देना है? अरे सद्दा क्या होता है? ओए ओए से अपा शादी दा कारण होर की। मैं तो आपको ये बताने आया था कि नाना अब्बा आ गए हैं। हाय सच्ची अब्बा जी आ गए ने? उम सदके जावा। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। अबे उठा 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 उठा, ले 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 ये चल जा। ओ फिडे मुंह तुम्हारी जवानी का, और तुम्हारी उम्र थी ना जब मेरी, ओ मैं अब्बा जी का संदूक उठा के अकेला लेके जाता था ओए स्टेशन। शुक्र है खुशबू, तुम्हें ये तो ख्याल आया कि जब मेकअप एक्सपायर हो जाता है तो उसे फेंक देता है। ये एक्सपायर नहीं है, बल्कि इनमें से कुछ तो मैंने दो चार दिन पहले ही ली थी। तो फिर डस्टबिन में क्यों डाल दिया? बस मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? बाबू की दुनिया से बाहर आ जा खुशबू, असल हकदार तो तू नहीं सबा है। देखा इसके आते ही किस तरह तुझे अपनी जगह छोड़नी पड़ी। तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, मैंने किसी ने क्या कहना। तो फिर चलो अपना हुलिया दुरुस्त करो और नीचे आ जाओ। नहीं जाना मैंने। लेकिन क्यों नहीं जाना? मैंने कहा ना नहीं जाना मैंने। और तुम जाओ, सबा तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रही होगी। अलीजे क्या फजूल बातें कर रही है? आखिर खुशबू तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा मसला क्या? असफर भाई तुम्हें अच्छे ही नहीं लगते, फिर भी तुम निकाह के लिए मना नहीं कर रही। और बाबर, बाबर का तुम्हें सबा भाभी के साथ फ्रंट सीट पर बैठना नागवार गुजरता है, ना तो तुम इकरार करती हो। तुम्हारे साथ मसला क्या है यार? चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, जिंदगी के खेल में मोहब्बतों की रेल में सब मुसाफिर चल पड़े हैं, किस नगर किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया।